कृषि में होगा बड़ा बदलाव। उर्वरक, हैंडलूम और टेक्सटाइल सहित 100 से अधिक उत्पादकों पर कम हो जाएगी जीएसटी। मंत्रियों के साथ बैठक में लिया जाएगा बड़ा फैसला। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय मंत्रियों का समूह गोवा में मंगलवार और बुधवार को जीएसटी दरों की समीक्षा कर रहा है। उर्वरक, हैंडलूम और टेक्सटाइल सहित 100 से अधिक उत्पादकों पर कर दरों को लेकर चर्चा की जाएगी। इस पैनल की सिफारिशें नवंबर में होने वाली थी। 55वीं वस्तु एवं सेवा कर काउंसलिंग की बैठक में पेश की जाएगी। वैसे बैठक में रियल स्टेट से जुड़े मामलों पर भी चर्चा होगी, जिसमें एक मुआवजा योजना भी शामिल हो सकती है, जो इस सेक्टर पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी ने बैठक को लेकर कहा कि गोवा में आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक में सम्मिलित हुआ और गोवा के मुख्यमंत्री से बैठक के संयोजक डॉक्टर प्रमोद सावंत को सम्मानित किया। बैठक में रियल स्टेट संबंधित विषय पर काउंसिलिंग के सम्मान सदस्यगण के साथ विस्तृत चर्चा हुई। इस मामले से सीधे तौर पर जुड़े एक सूत्र के मुताबिक इस बैठक में 90 से 100 उत्पादकों की दर को तार्किक बनाने के असर की समीक्षा की जाने की उम्मीद है। वैसे समिति में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर और केरल के वित्त मंत्री एन बाल गोपाल भी शामिल है। वैसे बता दें कि वर्तमान में जीएसटी का 4 सदस्यीय कर ढांचा है, जिसमें 5, 12, 18 और 28% की दरें हैं। आवश्यक वस्तुओं पर या तो छूट दी जाएगी या उन्हें सबसे निचले दर पर टैक्स दिया जाएगा, जबकि विसलता और हानिकारक वस्तुओं पर उच्चतम 28% की दर लागू होती है और उन पर अतिरिक्त उपकर भी लगाया जाता है। वैसे वर्तमान में जीएसटी 4 सदस्य ढांचे के तहत संचालित होता है, जिसमें 5%, 12%, 18% और 28% की स्लैब है। आवश्यक वस्तुओं को या तो छूट दी जाएगी या सबसे कम स्लैब पर जो है उन्हें लगा दिया जाएगा, जबकि विलासिता और अवगुण वस्तुओं को उच्चतम स्लैब के अधीन किया जाता है। विलासिता और पाप वस्तुओं पर उच्चतम 28% दर के अलावा एक अतिरिक्त उपकर लगाया जाता है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।